हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इससे पहले के दो चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 था हमारा मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, एंड सेकेंड चैप्टर था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। दोनों के थ्योरी पार्ट्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत बेसिक है, आपकी केमिस्ट्री का ये बेस बनाएगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। हम धीरे धीरे इसे कवर करेंगे, मतलब ज़्यादा स्लो भी नहीं, अच्छे से कवर करेंगे पार्ट्स में। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कंपाउंड्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और मिक्सचर्स के टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में वो पढ़ना है, टेक्निक्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने की क्या क्या टेक्निक्स होती है हम वो पढ़ेंगे, एंड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस चैप्टर का माइंड मैप देखिए। एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स इस चैप्टर का नाम है। एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया हुआ है, ये माइंड मैप से आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू देते हैं कि हम इस चैप्टर में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। एलिमेंट कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज, आप उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। रिप्रेजेंटेड ऑन द पीरियोडिक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल आती है जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स जो है अर्थ पर जितने आज तक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपके क्या है, अरेंज्ड है। एक और एक एक एलिमेंट को एक एटॉमिक सिंबल दिया गया है एक साइंटिस्ट के द्वारा, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो कंपाउंड बना लेता है, और उसे आप डिकम्पोज कर सकते हो उन्हें, यानी कि सेपरेट कर सकते हो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। फिर मिक्सचर्स क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो कब बनते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली यानी कि अपने हैंड्स के थ्रू किसी भी रेशियो में क्या कर दें, मिक्स कर दिया जाए, तो आपका मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर आपके यहाँ पर 3 टाइप्स के पढ़ने हैं हमें, होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड सेपरेटिंग मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, और थर्ड वाले में क्या है, मिक्सचर्स को हम सेपरेट करेंगे उनके कंपोनेंट्स में। और इसके अंदर भी हमारी बहुत सारी प्रोसेस हैं, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके, ठीक है, हम मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे। और डिस्टिलेशन के अंदर 2 डिस्टिलेशन के टाइप्स हैं, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड इन अ प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा, दैट मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज, मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर की फॉर्म में, बेस्ड ऑन इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड द नेचर ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन इट। किस चीज़ पर बेस्ड रहता है वो, कि उसके केमिकल कंपोजिशन और उनमें जो नेचर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड, एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, उन्हें आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उनका। वॉट इज़ द बेसिक नीड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर इन टू इट्स कंपोनेंट्स, अब ये क्या ज़रूरत है, एक मिक्सचर बन गया तो उसके कंपोनेंट्स को हमें क्यों अलग करना है। इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर फ्रॉम वाटर, क्या हम शुगर को वाटर से अलग कर सकते हैं, तो हमें ये सब क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में मिल जाएंगे। सो ध्यान से पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री स्टडी होती है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, ठीक है, मटीरियल सब्सटेंसेस, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, ये आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना, दैट कि ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज आर नॉट द सेम, जितने भी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन में वो डिफरेंट रहते हैं, मीन्स इसमें ज़्यादा है कोई कंपोजिशन, इसमें कम है और इसमें सबसे कम है, इस कंपोजिशन जो इनका रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है। दिस इज़ वाई द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैटर का क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनका कंपोजिशन डिफरेंट है सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस का, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया गया मैटर का। केमिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है, ये तो कंपोजिशन के बेसिस पर था क्लासिफिकेशन मैटर का। अब केमिकली पढ़ें अगर हम, तो मैटर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो है हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स,
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, जिनका एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है, यानी कि इनके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, जो सब्सटेंस पाया जाता है, उनका रेशियो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है. एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम्स से बने होते हैं. क्या एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, जबकि कंपाउंड्स आर मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स से बनते हैं. सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स से तो बनते हैं, कैसे, बाय केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकली वो मिल जाते हैं डिफरेंट टाइप के एटम्स. अब देखिए, आपने सोचा होगा मैम ये क्या पढ़ा दिया, एलिमेंट्स तो समझ में आया, कंपाउंड समझ में नहीं आया. तो क्या करा हमने, एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम उसके बनते हैं, सेम एटम से. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एटम से बनते हैं, ठीक है, बट एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें सेम यानी कि एक ही टाइप का एटम पाया जाता है. जैसे मैंने आपको एक बाउल में चावल दे दिया, तो उसमें चावल ही तो पाए जाएंगे, तो सब उनमें एटम एक ही तो हो गया वो. तो ऐसे ही एलिमेंट्स में सारे एटम सेम होते हैं. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे होते हैं. तो ये अलग अलग सेपरेट दे दिए हैं, तो यानी कि आपके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं. अब कंपाउंड्स की बात करेंगे. कंपाउंड्स में मैंने बोला सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनका केमिकल कॉम्बिनेशन कराया जाता है डिफरेंट टाइप के एटम्स को जोड़कर. डिफरेंट टाइप के एटम्स जुड़ रहे हैं इसमें. नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख रहा है नीचे, ये ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, इनका फॉर्मूला लिख रहा है. नाइट्रोजन ऑक्साइड को आप NO से डिनोट करते हैं, तो ये नाइट्रोजन का है और ये ऑक्साइड का है, ठीक है, मीन्स सॉरी ये नाइट्रोजन का है और ये ऑक्साइड का है. तो ये आप क्या कर रहे हो, दो मॉलिक्यूल्स को आपने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो ये आपका कंपाउंड बन गया. पीछे माइंड मैप में हमने क्या पढ़ा था, अभी माइंड मैप में हमने पढ़ा था कि हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़कर जो केमिकल कॉम्बिनेशन से जो नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं. जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्साइड के मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऐसे ही होता है कि आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं. तो आपको इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों प्योर सब्सटेंसेस होते हैं. एलिमेंट्स जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स से बनते हैं, जिनमें एक ही टाइप का एटम पाया जाता है. आप राइस वाला एग्जांपल याद रखिए. और कंपाउंड्स में आप दो या दो से ज़्यादा एटम्स को मिला देते हैं, ठीक है. बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, आपके एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक ही टाइप के किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग सेपरेट बात कर रहे हैं, एज दे ईच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम मिलता है, ठीक है. जो हम देखते हैं उसमें सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट पाया जाता है, एटम पाया जाता है, सॉरी. वाटर इज अ कंपाउंड. अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सेपरेट हो गए, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं. अब अगर हम वाटर की बात करते हैं तो ये कंपाउंड होता है. क्यों, क्योंकि इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स बॉन्डेड टूगेदर, क्योंकि उसमें डिफरेंट काइंड के एटम्स पाए जाते हैं जो आपस में बॉन्डेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. बॉन्डेड यानी जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए हम वाटर को एक कंपाउंड बोलते हैं. सिमिलरली द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड आर ऑफ द सेम काइंड. कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके सेम तरह के होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर द सेम काइंड. मैंने देखो क्या बोला, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर ऑफ द सेम काइंड. कंपाउंड में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे वो सेम ही तो होंगे, ठीक है. यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो उसमें सारे H2O यानी कि वाटर के ही मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे. दे डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर कंपाउंड्स. दूसरे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल से ये अलग होते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो गए. इसमें कार्बन की डाइऑक्साइड है के सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट हैं. और वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में वाटर के प्रेजेंट हैं, ठीक है. तो यानी कि जो एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो उनमें सेम रहेंगे, बाकी अगर डिफरेंट की बात हो रही है तो उनमें अलग रहेंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पढ़ा, तो एलिमेंट्स हमें समझ में आ गया सेम का टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है. तो अब एलिमेंट्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि उनके फीचर्स क्या होते हैं. अब देखिए आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं. एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. एलिमेंट जो है मैटर की सबसे सिंपल फॉर्म होती है. आप खुद सोचिए सिंपल क्यों हो गई, क्योंकि उसमें एक ही टाइप के तो एटम्स पाए जा रहे हैं, हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. अराउंड 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड नेम्ड सो फार.
अभी तक लगभग अराउंड 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, डिस्कवर करे जा चुके हैं और उन्हें नेम दिया जा चुका है. आउट ऑफ दीज, इन सभी 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स अकर नेचुरली. 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली यानी कि अर्थ पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं. नेचुरली ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट पर यानी कि अर्थ पर ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है. सिलिकॉन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट फॉलोड बाय एल्यूमिनियम. सिलिकॉन जो है सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और उसके बाद थर्ड पोजिशन पर आता है आपका एल्यूमिनियम. बट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन. लेकिन सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है यूनिवर्स में? हाइड्रोजन है. एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. जो एलिमेंट्स होते हैं नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हमें पाए जाते हैं, वो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में पाए जाते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स की बात हो रही है तो आप हाइड्रोजन बोलोगे. अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम. ठीक है, यूनिवर्स की बात हो रही है तब आएगा हाइड्रोजन. अगर अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है तो सबसे पहला ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, एंड थर्ड है आपका एल्यूमिनियम. ठीक है, अब आती है स्टेट ऑफ मैटर एग्जांपल्स के साथ. कुछ स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस, थ्री स्टेट ऑफ मैटर होती है, उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं आपके कार्बन, सोडियम, लेड, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम. लिक्विड स्टेट में पाई जाती है आपकी मरकरी एंड ब्रोमीन. एंड गैसियस स्टेट में पाई जाती है आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन. ठीक है, ये कुछ स्टेट ऑफ मैटर हैं तीनों, और उनके कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. होप गाइज आपको समझ में आ रहा है. 2-3 times आप चैप्टर रीड करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा. सम एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन एंड गोल्ड एग्जिस्ट इन द नेटिव स्टेट यानी इन नेचर. नेटिव स्टेट की बात हो रही है यानी कि प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं कुछ एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं वैसे ही पाए जाते हैं नेचर में. जबकि वेयर एज मैनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द कम्बाइंड स्टेट इन नेचर. कुछ एलिमेंट्स ये तो हो गए आपके प्योर फॉर्म में जो पाए जाते हैं नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में कम्बाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. कम्बाइंड यानी किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर पाए जाते हैं, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे आयरन एग्जिस्ट एज आयरन ऑक्साइड. आयरन जो आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा. कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा. सिलिकॉन सैंड की फॉर्म में मिलता है. ठीक है, तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद करने होंगे. एलिमेंट्स हैव दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. एलिमेंट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम वो पढ़ेंगे. एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट जो होता है वो सेम काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर बना होता है. ठीक है, उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. अभी एग्जांपल दिया था राइस वाला, है ना, एक बाउल में राइस दे दूं तो उसमें सारे सेम काइंड ऑफ एटम्स ही तो हो गए. बाउल आपका राइस हो गया, सॉरी बाउल आपका एलिमेंट हो गया. उसके अंदर जितने भी राइस के दाने प्रेजेंट हैं, चावल के दाने प्रेजेंट हैं, तो उसमें क्या है वो सारे एटम्स हो गए सेम काइंड के. हाउएवर डिफरेंट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स. डिफरेंट एलिमेंट्स जो हो गए ये तो सिंपल सी बेसिक सी बात है. दूसरे एलिमेंट्स जो है डिफरेंट काइंड के एटम्स से मिलेंगे बनेंगे. जैसे ये तो दाल की बात कर रही थी मैं, अब मैं आपको चावल की बात कर रही थी ना. दाल दे दूँ तो दाल अलग एटम से बन रही है, और दालों में भी कितने सारे टाइप्स होते हैं, तरह तरह की दाल होती है ना, तो अलग अलग एटम से बनती हैं, वो अलग अलग तरह से बनती हैं. तो यहीं पर ये बोल रहा है कि एलिमेंट जो होता है सेम काइंड ऑफ एटम से बनता है, और डिफरेंट दूसरा जो एलिमेंट होगा उसमें भी डिफरेंट काइंड के एटम्स प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट फीचर क्या है, इट कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू अ सिंपल फॉर्म. मैंने अभी बताया कि एलिमेंट जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर में प्रेजेंट होता है, इसलिए आप इसे फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हो. एलिमेंट को आगे आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो और ज़्यादा सिंपल फॉर्म नहीं बना सकते हो. ठीक है, बेसिक फॉर्म हो गई किसी भी मैटर की, कौन सी, एलिमेंट. ठीक है, इसे आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हो पार्ट्स में. नेक्स्ट है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस एज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. ये एक प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, प्योर सब्सटेंस है क्योंकि ये सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से ही मिलकर बना होता है. इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. प्योर है बिकॉज एक काइंड ऑफ एटम उस पर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट फीचर क्या है, ईच एलिमेंट हैज़ फिक्स्ड प्रॉपर्टीज. जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एक एलिमेंट की फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स. जो मतलब एक एलिमेंट की अलग होती है, दूसरे की अलग होंगी, तीसरे की अलग होंगी, सबकी अलग अलग होती हैं हर एलिमेंट की. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस. आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड दैट वाइल दैट ऑफ सिल्वर इज अबाउट 960 डिग्री सेल्सियस. जबकि सिल्वर का कितना होता है 960 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज. एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हो? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स को भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर मेटल्स. ये सभी मेटल्स हैं, आपको एग्जाम्पल्स याद करने होंगे. वाइल क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स. ये आप एग्जाम्पल्स जितने भी आ रहे हैं ना उनके हेडिंग डालकर एक रफ कॉपी में आप लिखिए और उन्हें लर्न कीजिए, तो आपका ऑलमोस्ट चैप्टर लर्न हो जाएगा. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है मेटल के साथ साथ नॉन मेटल्स दोनों की ही क्या दिखाता है, प्रॉपर्टीज दिखाता है. एंड हैंस आर क्लासिफाइड एज मेटलॉइड्स. इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स. इन सभी एलिमेंट्स को हम सिम्बल्स से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब ये सिंबल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, अब सिंबल्स कैसे होते हैं ये हमें लर्न करना है. अ सिंबल इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. तो सिंबल क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है जो किसी भी एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है. सिंबल तो आप समझते हैं ना, जैसे किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है, तो उसी को हम सिंबल बोलते हैं. अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट हैज़ वन और टू लेटर्स डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट. सिंबल जो होता है किसी भी एलिमेंट का, जब हम सिंबल लिखते हैं उसमें एक या दो लेटर्स होते हैं जो हम शॉर्ट में लिखते हैं, वो दो लेटर्स ही या एक लेटर हम किससे लेते हैं, उस एलिमेंट के नाम से लेते हैं. यूजुअली द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट इट. यूजुअली जो हम लेते हैं एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही तो ओ ले लिया. सी फॉर कार्बन, ठीक है, अब एक बात तो ये हो गई. सिंस मैनी एलिमेंट्स हैव देयर नेम स्टार्टिंग विद द सेम लेटर. अब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं ना, तो उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. सो अनदर लेटर फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इज चूजन. अब उस चीज़ को, इससे तो फिर कन्फ्यूजन होगा ना, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए उस एलिमेंट का दूसरा लेटर भी क्या लिया गया, उसे चूज किया गया, लिखा गया एंड रिटन अलॉन्ग विद द फर्स्ट लेटर, और दूसरे फर्स्ट लेटर के साथ उसे लिखा गया. फॉर एग्जाम्पल सी एल फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए सी एल, ये दूसरा लेटर लिया गया, यानी कि ये नहीं कि सेकेंड लेटर ही लिया नेम से, नहीं, दूसरा लेटर चूज किया है कोई सा भी नेम में से. अब आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, आपको शॉर्ट में लर्न ही करने पड़ेंगे कि कुछ उनके सिंबल क्या हैं, एलिमेंट्स का कौन सा सिंबल है, ठीक है. जैसे क्लोरीन के लिए Cl है, CO फॉर कोबाल्ट एंड Cr फॉर क्रोमियम. इफ़ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन लेटर, अगर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिर्फ एक लेटर से, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर, तो आप उसे लिखेंगे कैपिटल लेटर में अगर एक लेटर यूज़ किया जा रहा है. इफ़ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लेटर्स, अगर एक एलिमेंट को दो लेटर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, द फर्स्ट इज रिटन इन कैपिटल, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाएगा एंड सेकेंड वाला जो है वो आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है. सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर ड्राइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स. लैटिन लैंग्वेज थी पहले, तो कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनके लैटिन नेम से ड्राइव किए गए हैं, लिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल Na फॉर सोडियम, सोडियम के लिए Na लिया गया है फ्रॉम नेट्रियम, उसका लैटिन नेम है सोडियम का नेट्रियम, लैटिन लैंग्वेज है एक. एंड Ag फॉर सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटम, सिल्वर के लिए हम Ag यूज़ करते हैं, उसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटम. सम सिम्बल्स आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो, कुछ सिम्बल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसे पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है. डेल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज सिम्बल्स फॉर एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के लिए जो सिम्बल्स दिए थे वो एक साइंटिस्ट ने दिए थे, डेल्टन ने सबसे पहले दिए थे. ही यूज पिक्टोरियल सिम्बल्स, उन्होंने पहले पिक्टोरियल सिम्बल्स दिए थे पिक्चर्स की फॉर्म में, जैसे ऐसे वाला सिंबल दे दिया या किसी पे प्लस का साइन दे दिया, किसी पे माइनस का दे दिया, तो ये पिक्टोरियल सिंबल्स दिए थे एलिमेंट्स के लिए उस टाइम तक जितने भी डिस्कवर करे गए थे. बट उसके बाद और एलिमेंट्स मिलते गए, फिर दूसरे सिंबल्स ऐसे दिए गए. यहाँ पर आपको कुछ नेम दिए हुए हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स के जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं और उनके साइड में सिंबल दिए हुए हैं. यहाँ पर एक कॉपी पर लिख लीजिए और डेली 10 मिनट्स के लिए आप लर्न करेंगे ना, तो आपको लर्न हो जाएंगे. ओके, एल्यूमिनियम के लिए Al लेते हैं. देखिए दो लेटर से क्या कर रहे हैं, हमसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला कैपिटल है और दूसरा वाला स्मॉल है. आर्गन Ar, बेरिलियम Be, बोरोन कैपिटल B,
ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, फ्लोरीन F, हीलियम He एंड हाइड्रोजन H. और क्या दिया हुआ है, आयोडीन का I, लिथियम Li, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से, फॉस्फोरस P, सिलिकॉन Si, सल्फर S एंड जिंक को हम करते हैं ZN से. तो डेली आप इन्हें 10 मिनट्स के लिए रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए अच्छे से, और आप इन्हें लिखकर भी देखिए तो आपको ये लर्न हो जाएंगे. तो वो तो हमने देखे कुछ एलिमेंट्स के नेम जो उनके नेम पर ही बेस्ड हैं. अब यहाँ पर आपको एलिमेंट के इंग्लिश नेम दिए गए हैं, यहाँ पर सिंबल है और उनका लैटिन नेम से. ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे दिए हुए हैं जो जिनके जो सिंबल्स हैं वो लैटिन नेम से डिराइव किए गए हैं, लिए गए हैं. जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, उसके लैटिन नेम से लिया गया है नेट्रियम. पोटेशियम K, उसका सिंबल होता है, उसका लैटिन नेम होता है कैलियम. आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, जिसका लैटिन नेम होता है फेरम. कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं Cu से, जिसका लैटिन नेम है क्यूप्रम. सिल्वर Ag, अर्जेंटम. गोल्ड Au, ऑरम. मर्क्यूरी Hg, हाइड्रोजायरम. लेड Pb, प्लम्बम. टिन Sn, स्टेनम. तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स लैटिन नेम से लिए गए हैं उनके. और यहाँ देखिए आज का लास्ट टॉपिक है अमेजिंग फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है. सम एलिमेंट्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर. अब देखिए कुछ एलिमेंट्स तो हमने ऐसे ही पढ़ लिए जो उनके इंग्लिश नेम से ही ड्राइव किए गए हैं उनके सिंबल्स. कुछ नेम्स हमने ऐसे पढ़ लिए जिनके लैटिन नेम से उन्हें ड्राइव किया गया है. अब कुछ एलिमेंट्स उसके बाद भी ऐसे हैं जो उनके डिस्कवरर के बेस पर नाम दिया गया है उन्हें, डिस्कवरर. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं डिस्कवरर हो गए जिन्होंने उन्हें खोजा था जिन एलिमेंट्स को, ठीक है, उन्हीं के नाम पर दे दिया गया. और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जहाँ पर जिस जगह पर पाया गया या जिस कंट्री में पाया गया उसके बेस पर नाम दे दिया. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें किसी गॉड या गॉडेस के यानी कि देवी देवताओं के नाम पर दे दिया है. और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिन्हें कलर के बेसिस पर या फिर हेवनली बॉडी जो स्वर्ग में बॉडीज पाई जाती हैं जो प्लैनेट्स पाए जाते हैं उनके नाम पर दे दिया है. तो ये ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्कवरर के बेस पर रदरफोर्डियम एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका साइंटिस्ट नेम है जिसने खोजा था इसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो रदरफोर्डियम नाम दे दिया. क्यूरियम है, एलिमेंट है ये यहाँ पर, और ब्रैकेट में उनका डिस्कवरर का नेम दिया हुआ है जिन्होंने उन्हें खोजा, मैडम क्यूरी के नाम पर दे दिया गया. प्लेस या कंट्री के नाम पर देखें तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम जगह थी वहाँ पर मिला इसलिए मैग्नीशियम नाम रख दिया. कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्निया जगह पर मिला इसलिए कैलिफोर्नियम नाम रख दिया. फ्रांसियम, फ्रांस. जर्मेनियम, जर्मनी. तो ये प्लेस या कंट्री के बेसिस पर दे दिया. गॉड गॉडेस के नेम पर देखें तो मर्क्यूरी, मर्क्यूरी गॉड होते हैं. गोल्ड, ओरोरा. इरिडियम, इरिस. तो ये सभी गॉड गॉडेस हैं किसी जगह के होंगे, उनके नाम पर दे दिया. सेलेस्टियल बॉडी या फिर हेवनली बॉडी जिसे हम बोलते हैं सेलेनियम, एलिमेंट है तो वो मून माना जाता है. यूरेनियम, यूरेनस. प्लूटोनियम, प्लूटो. कलर, क्लोरीन. कलर के बेसिस पर दे दिया, कलर जो है क्लोरीन है तो वो पेल ग्रीन कलर का होता है तो क्लोरीन बोल दिया. इंडियम, इंडिगो कलर का होता है. आयोडीन, वॉयलेट. प्लैटिनम, सिल्वर. ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग डिस्कवरर, प्लेस, कंट्री, गॉड, गॉडेस, सेलेस्टियल बॉडी या फिर कलर के बेसिस पर उनके नाम दिया गया. तो यहाँ आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हमने. सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम भी पढ़ लिए हमने, लैटिन नेम वाले भी पढ़े और अलग अलग साइंटिस्ट के बेस पर भी जो नाम दिए गए हैं वो सब हमने पढ़े. तो ये सभी आपको लर्न करने हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे. अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है. अब थोड़ा सा लैंग्वेज को हम पता है मुझे थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते टाइम ना एकदम टन क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए सॉरी. और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के हमारी सारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.